मैम आपको सब जान गई है। मैं आज आप सबको कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो में कुछ और बताना चाहूँगी, जैसे कि होम्योपैथी में क्या क्या लिमिटेशन है, कैसे कैसे हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे और क्या हम पेशेंट को बताएंगे। तो फिर से मैं उन्हें एक शामिल हूँ आप सभी के सामने डॉक्टर अनु श्रीवास्तव के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसा कोई भी वो नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके वजह से हम अपने हाथ खड़े कर सकते हैं या फिर उसकी लिमिटेशन, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। होम्योपैथी में आज हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हमारी भी, जैसे ट्यूबर प्रेगनेंसी, एक्ट्रॉपिक प्रेगनेंसी, जिसमें ट्यूबर प्रेगनेंसी होती है, यहाँ हमें किसी भी तरीके से कोई कार्य नहीं करना होता है। दूसरा, पित्त की थैली में पथरी, कॉलीलिथियासिस का केस। और सर इसके लिए मैनेजमेंट्स क्या होंगे या फिर आप प्रिस्क्राइब क्या करेंगे लोगों को, पेशेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसीज को डायग्नोस करना है, आइदर इज इट एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉट, या वो पित्त की थैली में पथरी है या नहीं, या और भी ऐसे कुछ केसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस करेंगे, उसके बाद हमारा फर्स्ट और लास्ट मिशन होगा पेशेंट को रेफर टू सर्जन विद प्रॉपर मैनेजमेंट एज इट इज पॉसिबल एज फास्ट। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट ट्रीटमेंट उसका यही होगा कि हम उसको सर्जन के पास भेजें, ठीक है? एज अर्ली एज पॉसिबल।